हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको धोती वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, इसे हम ये ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया, तो हमें इसकी लंबाई रखनी है 34 इंच पूरी कंप्लीट, और इसकी ये लंबाई भी हमें 34 इंच ही रखनी है नीचे की। तो हम यहाँ पर 34 इंच पर निशान लगाएंगे, 8.5। तो हम पूरे पर यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम इसे यहाँ से काट देंगे। अब हमें इसका आसन है जो वो हमें रखना है 14 इंच। तो हमारी 8 इंच की बेल्ट कटेगी और हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 8 इंच पर, और यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। अब हमारे ये जो बीच में कपड़ा फोल्ड है हम इसे काट देंगे। हमें यहाँ पर 28 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा काट देना है आधा आधा इंच, ये जो हमारी सिलाई में फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से हमारा घेर सिल जाएगा। ये हमने सलवार का नीचे का पार्ट काट लिया। अब हमें इसकी बेल्ट काटनी है। हमें इसकी बेल्ट की चौड़ाई रखनी है फुल कंप्लीट 22 इंच। तो हम 22 इंच पर यहाँ से काट देंगे। अब हम इसे 4 पार्टों में फोल्ड करेंगे। ये एक साइड से हमने इसे सीधा काट दिया। अब हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और हम इसकी किनारी काट देंगे। तो हमने सलवार की बेल्ट और नीचे के पार्ट तो काट लिए, अब हमें इसकी रुमाली काटनी है। तो अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये 7.5 इंच पर हमने फोल्ड करा और हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 5.5 इंच। अब हम इधर से इसे फोल्ड करके काट देंगे। ये हमने इसकी रुमाली भी काट दी। हमारी शलवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कट चुकी है।